उत्तर प्रदेश में विधानसभाओं पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अलीगढ़ के विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्वर्गीय सांसद राजवीर दिलेर के पुत्र सुरेंद्र दिलेर को प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसके बाद समर्थकों के द्वारा जमकर जश्न मनाया जा रहा है। अगर विधानसभा खैर की बात कही जाए तो यहां से पूर्व में अनूप वाल्मीकि विधायक रह चुके हैं, राजस्व मंत्री रह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों पर नजर डालें तो 2024 के लोकसभा चुनावों में जो राजवीर दिलेर थे उनका टिकट काटने के बाद अनूप वाल्मीकि को लोकसभा हाथस का सांसद का टिकट मिला था, जिसके बाद अनूप वाल्मीकि लोकसभा हाथस के सांसद घोषित हो गए। उसके बाद विधानसभा खैर की यह सीट खाली हो गई, यहाँ उपचुनाव होने हैं, लेकिन स्वर्गीय सांसद राजवीर दिलेर को के पुत्र जो है उनको टिकट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिंपैथी वाला इशारा पूरा कर दिया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लोकसभा हाथस के चुनावों में सांसद राजवीर दिलेर को जो आश्वासन दिया था वो आश्वासन आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण स्वर्गीय सांसद राजवीर दिलेर के समर्थकों में गजब का माहौल नजर आ रहा है, ढोल नगाड़ों के साथ तमाम ये लोग हैं जो आपस में मिठाई बांटते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों के द्वारा जमकर जश्न मनाया जा रहा है। एक दूसरे को मिठाई बांट कर लोगों के द्वारा स्वर्गीय सांसद राजवीर दिलेर के पुत्र सुरेंद्र दिलेर को टिकट मिलने की खुशी जताई जा रही है। तमाम लोग यहाँ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर किस तरीके का उत्साह है लोगों के द्वारा लगातार विधानसभा खैर में होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के सांसद स्वर्गीय राजवीर दिलेर के पुत्र सुरेंद्र दिलेर को जिताने के दावे किए जा रहे हैं। तो जानेंगे क्या कहेंगे, जिस तरह से टिकट मिला इसको लेकर क्या कहेंगे भैया? आज बहुत खुशी का दिन है और ये हमारे राजवीर दिलेर जी की जो मेहनत थी उनके उनके बेटे ने बहुत उसको सफल करके दिखाया और खैर की विधानसभा बहुत अच्छे वोटों से जिताएगी। वो खैर का बच्चा ही नहीं, वो खैर के हर घर घर का बच्चा है जी। बिल्कुल, और लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे किस तरीके का जश्न मना रहे हैं? इसलिए खुशी मना रहा है क्योंकि किशन लाल दिलेर जी जनसंघ के जमाने से बीजेपी के रहे थे और उन्होंने 9 बार चुनाव जीते थे। उनके बाद उनके बेटे राजवीर दिलेर जी विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, हमारे इलाके से रहे थे, तो अब उनके किशन लाल नाती जी को टिकट मिली है। जैसे बाबा ने काम किया ऐसे नाती काम करेंगे और सबको साथ लेकर काम करने वाले व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और उनसे सब लोग संतुष्ट हैं, बहुत अच्छे व्यवहार के व्यक्ति हैं और उनको टिकट मिला है तो युवाओं में जोश भरने का काम किया पार्टी ने और युवा उनके साथ भरसक का हिस्सा लेंगे, यही सोच के साथ पार्टी ने टिकट दिया है और अच्छे कर्मठ और अच्छे कार्यकर्ता हैं सुरेंद्र उर्फ दीपक दिलेर। क्या कहेंगे, उत्साह की बात कही जाए, तमाम पटाखे चलाए जा रहे हैं और जमकर जश्न मनाया जा रहा है, मिठाई बांटी जा रही है। भैया जी के लिए ताजक जीत होगी खैर से, अभी तक किसी की नहीं है, ताजक जीत होगी। बिल्कुल, तमाम और लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर जश्न की अगर बात कही जाए तो तमाम लोग जो है जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है जहाँ पर लोगों के द्वारा जमकर जश्न मनाया है। क्या नाम है आपका? पंकज शर्मा, मंडल महामंत्री। क्या कहेंगे जिस तरह से उत्साह मनाया जा रहा है? ये जो उत्साह मनाया जा रहा है वो इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि हमें उम्मीद सबरी हमारी जो उम्मीद थी वो इन्हीं पे टिकी हुई थी और हम इनको एक जो जीत दिलाएंगे वो एक मील का पत्थर के रूप में जीत दिलाएंगे जो यादगार बनेगी, यादगार बनेगी। विधानसभा खैर की अगर बात कही जाए तो आंकड़े कहीं ना कहीं आरएलडी आपके साथ है तो उसका फायदा मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल फायदा मिलेगा उसका, आरएलडी हमारे साथ है तो हमारे जो 10-20% और वोट होंगे वो ज्यादा ही पड़ेंगे, ज्यादा पड़ेंगे। युवा भी हमारे साथ मौजूद है, युवाओं की अगर बात की जाए तो विधानसभा खेल में युवाओं के साथ किसके साथ रहने वाला है? अक्सर होता है कि नेता चुनाव जीतने पर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते, पर इस परिवार के साथ ऐसा नहीं है। ये परिवार अपने कार्यकर्ताओं के लिए तन मन धन से हमेशा तैयार रहता है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये वो पटाखे फोड़ कर लगातार जमकर जश्न मनाया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।